नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। आपको बता दें कि ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एनसीबी आज कुछ और लोगों को समन देने की तैयारी कर रही है। जी हां, इस मामले में एनसीबी सिनेमा और टीवी जगत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करेगी। एनसीबी रिया शौविक ड्रग केस को लेकर इन लोगों से पूछताछ करेगी। आपको हम बता दें कि लगातार जिस तरह से बड़े बड़े नामों का खुलासा हो रहा है, ऐसे में कुछ और नाम अब सामने आने की तैयारी। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिव्येश, न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि अब टीवी जगत से भी जुड़े जो लोग हैं और जो ड्रग्स मामले में जकड़े हुए हैं, उनके नाम भी जल्द सामने आने वाले हैं। जी श्वेता, आपको बता दें कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो मुंबई की टीम है, जिस केस में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती आरोपी है, उसी केस से जुड़े इन्वेस्टिगेशन में कुछ टीवी के कलाकार जो की फिल्मों में भी नजर आए हैं, उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया है, वो कुछ ही देर में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो मुंबई स्थित ऑफिस है वहां पर पहुंच सकते हैं। और दिवेश, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, टीवी जगत के वो लोग जो कि बॉलीवुड में भी फिल्मों में काम कर चुके हैं, उन्हें एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। एक बहुत बड़ी जानकारी दिवेश, क्या वो नाम सामने आ चुके हैं, कौन कौन है वो एक्टर्स जो कि आने वाले हैं एनसीबी दफ्तर? जी, अभी तक पुख्ता जानकारी कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है नामों के बारे में कि ये कौन एक्टर्स हैं, पर ये जानकारी जरूर पुख्ता हो गई है। इस जानकारी की कंफर्मेशन हमें मिल गई है कि टीवी जगत से जुड़े हुए ये कलाकार हैं, 1 से 2 कलाकार हैं जिन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और इनके नाम राहिल विश्राम, अनुज केशवानी जो कि 2 बड़े ड्रग पेडलर्स हैं जिन्हें अरेस्ट किया था नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने, उनकी पूछताछ में, उनके इंटरोगेशन में ये नाम सामने आए हैं और इसलिए इन्हें पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। क्या कितने दिवेश, कितने एक्टर्स हैं इस बारे में कोई जानकारी? अभी फिलहाल नाम तो सामने नहीं आया है, कितने एक्टर्स आ रहे हैं? तो 2 एक्टर्स अभी जो पुख्ता जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 2 एक्टर्स हैं जिन्हें समन भेजा गया था और उन्हें आज बुलाया गया है एनसीबी के सामने, उन्हें हाजिर होना है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। हो सकता है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, उन्हें उन्हें इंटरोगेट किया जाए, उन्हें क्वेश्चन किया जाए और उसके बाद आगे की बिल्कुल दिवेश। और अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, एनसीबी जिस तरह से काम कर रही है, न सिर्फ बॉलीवुड, अब ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है। जहां भी मुंबई में, चाहे बॉलीवुड हो या फिर टीवी जगत से जुड़े हुए कलाकार हो, किसी को भी एक तरह से बख्शा नहीं जाने वाला है। अब टीवी जगत के कलाकारों को बुलाया जा रहा है एनसीबी दफ्तर, वो पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी देखिए, दिव्येश जो हमारे सहयोगी है वो जानकारी दे रहे थे, उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जानकारी देता हूं कि जो 2 टीवी के एक्टर बुलाए गए उसमें बी ग्रेड के हैं, जिसमें एक महिला एक्टर, फीमेल एक्ट्रेस भी शामिल है। वो भी अब से कुछ देर बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। आपको बताऊं, ये जो पूछताछ हो रही है मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज पूछताछ करेगी, ये 16/20 केस जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती समेत कुल 18 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें जो 2 बड़े ड्रग पैडलर अनुज केशवानी और अंकुश जुनेजा वो गिरफ्तार हुए थे, तो उन्हीं से पूछताछ के बाद टीवी जगत के ये जो 2 नाम है बी ग्रेड के कलाकार बताए जा रहे हैं, 2 ऐसे नाम है जिनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई शाखा ने नोटिस भेजा हुआ है और अब से कुछ देर बाद वो मुंबई के दफ्तर पहुंचेंगे और पूछताछ में शामिल होंगे। देखिए, अभी नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि इन 2 में एक फीमेल एक्ट्रेस भी है जो पूछताछ में शामिल होगी, तो कुछ देर बाद उन नामों का भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज तक पर यह खबर है जो हमारे सहयोगी हैं दिव्येश, उन्होंने बताया और जो हमें जानकारी मिली अपने सूत्रों के मुताबिक कि उन 2 में से एक फीमेल एक्ट्रेस भी है, एक महिला कलाकार है जो इस पूछताछ में शामिल होंगी। आएंगे आपके पास और हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। फिल्म मेकर और क्वान कंपनी के डायरेक्टर मधु मोंटेना और जया साहा की एक ड्रग चैट सामने आई है। ये ड्रग चैट 22 जून की है। ड्रग चैट में मधु मोंटेना जया साहा से वीड यानी कि गांजा मांग रहे हैं। जी हां, और रिप्लाई में जया साहा ने लिखा है, ठीक है, वीड भिजवा दूंगी, आज एनसीबी दोनों से पूछताछ करेगी।
तो बड़ी खबर सामने आई है, मधु मोंटेना ने जया साह से बोला कि उन्हें वीट चाहिए। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जया साह, अभी तक जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, जितने भी नाम सामने आए हैं, उसमें किंग पिन मानी जा रही है जया साह। सबने जया साह को कॉन्टैक्ट किया और जया साह ने सबको प्रोवाइड कराया है किस तरह से ड्रग्स, ये खुलकर सामने आ गया है। जी देखिए, बिल्कुल श्वेता, जया साह एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आई हैं, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है जो आज तक को जानकारी मिली है, मधु मोंटेना वर्मा बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर हैं और क्वान कंपनी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में मौजूद है, उनसे पूछताछ चल रही है। बड़ा खुलासा हुआ है, 22 जून की चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है जया साह के साथ। देखिए, यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये बताना जरूरी है कि मधु मोंटेना साह बॉलीवुड की फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर रहे हैं। उड़ता पंजाब, जो पंजाब की जो ड्रग समस्या थी उस पर फिल्म बनाई गई थी, उसके प्रोड्यूसर हैं और वो खुद जया साह से व्हाट्सएप चैट पर ड्रग्स मांग रहे थे, वीड मांग रहे थे और जया साह उनको श्योर कर रही थी कि वो वीड उन तक पहुंचा देंगे। तो ये चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने आई है, जिसके बाद मधु मोंटेना वर्मा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बुलाया है। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। 2 बजे के लगभग जया साह को बुलाया गया है, वो भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचेंगी। हालांकि बारिश बहुत तेज है मुंबई में, देखना होगा पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है 2 बजे के लगभग वो पहुंचेंगी और मधु मोंटेना वर्मा और जया साह से आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। लेकिन बड़ा खुलासा यह है कि कल जो पूछताछ हुई थी जया साह से, उनको श्रद्धा कपूर का चेयर दिखाया गया जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि बिल्कुल उन्होंने सीबीडी ऑयल करना पड़ेगा कबूल। अरविंद, करना पड़ेगा। अब ऐसे एक एक करके जिस तरह से चैट सामने आ रहे हैं, कोई और गुंजाइश नहीं है इनके बचने की। आपको बता दें कि सुशांत केस से शुरू हुई ड्रग्स कनेक्शन की जांच में कई बड़े नाम गिरते जा रहे हैं। दीपिका के बाद दिया मिर्जा का नाम भी सामने आ चुका है। सवाल यह है कि बॉलीवुड के और कितने दिग्गज इस दलदल में हैं? इसका जवाब जानने के लिए एनसीबी की बड़ी पड़ताल जारी है। एनसीबी आज भी कौन कंपनी से जुड़ी और सुशांत की पूर्व मैनेजर रही जया साह से पूछताछ करेगी। इसके अलावा लगातार दूसरे दिन कौन कंपनी के सीईओ ध्रुव से भी पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि कौन कंपनी के डायरेक्टर और फिल्म निर्माता मधु मोंटेना से एनसीबी पूछताछ इस वक्त कर रही है। एनसीबी दफ्तर में मधु मोंटेना मौजूद है। 2 बजे जया साह पहुंचने वाली है और उसके बाद इन दोनों को बिठाकर आमने सामने पूछताछ होगी। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा लगातार मुंबई से बने हुए हैं और दीपिका के घर के बाहर से विद्या हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, दीपिका का नाम सामने आने के बाद वाकई एक तरह से तहलका मच गया और अब ये जानना और जरूरी हो गया है कि अब इस पूरे मामले में दीपिका के बाद क्या और भी कई वो बड़े नाम है जो सामने आएंगे फिल्म इंडस्ट्री के। जी बिल्कुल श्वेता, बड़े बड़े नाम आने का दावा ही एनसीबी कर रही है। जब से उन्होंने पूछताछ शुरू की है वो बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम होंगे जो सामने आएंगे, लेकिन खास तौर से अभी आप देख लीजिए इस वक्त अभी फिलहाल दीपिका तक को अभी नोटिस नहीं जारी किया गया है, समन्स नहीं भेजे गए हैं। वहीं बड़े बड़े जो और सितारे हैं जिनके नाम आने हैं उसमें थोड़ा सा समय ज़रूर और लगेगा। अभी इन लोगों से जो कि ए लिस्टर्स हैं, जैसे कि सारा अली खान ले लीजिए, श्रद्धा कपूर ले लीजिए, इन लोगों से भी पूछताछ करनी बाकी है। इनके जो आधार होंगे स्टेटमेंट्स के, उसके बाद आगे जाके दीपिका और बाकी लोगों से पूछताछ होगी, होनी जरूर है, लेकिन कब होगी इसका थोड़ा सा समय श्वेता जरूर लगेगा। अरविंद हमें जानकारी देंगे। अरविंद, आप ये बताइए, एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, लोगों को बुला रही है, समन भेज रही है, लेकिन जो ए लिस्टर्स हैं यहां पर भी जो ए लिस्टर्स हैं उनका क्या, उन पर किस तरह से कार्रवाई होगी, आखिर उन्हें कब समन भेजा जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले श्वेता आपने दीपिका की बात की थी, तो देखिए दीपिका का व्हाट्सएप चैट था करिश्मा के साथ। करिश्मा कौन है? जया साह के अंडर में काम करती है, क्वान कंपनी की मैनेजर है और दीपिका से लगातार संपर्क में रहती हैं। तो सबसे पहले जो पूछताछ होगी वो करिश्मा से होगी। करिश्मा से इसलिए पूछताछ होगी क्योंकि दीपिका से वो ड्रग्स चैट कर रही थी और करिश्मा ही उनको ड्रग्स प्रोवाइड करने की बात कह रही थी। तो सबसे पहले करिश्मा से पूछताछ होगी, उसके बाद दीपिका का नंबर आएगा। करिश्मा को समन भेजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने, तो करिश्मा ने कल अपना वकील भेजा और कहा कि वो
उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 25 तारीख को 25 सितंबर को वो पूछताछ ज्वाइन करेंगी। तो बहुत मुमकिन है कि करिश्मा से पूछताछ के बाद दीपिका का नंबर आए, लेकिन आपने जैसा सवाल पूछा ए लिस्टर का, तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, धमाकेदार खबर ए लिस्टर को लेकर आज तक पर सबसे पहले आएगी। बहुत 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 जल्द कम से कम दो बड़ी अभिनेत्रियों को जो ए लिस्ट में शामिल हैं उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सम्मन भेजेगी। हालांकि यहां पर अरविंद अभी तक दीपिका की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि दिया मिर्जा ने खारिज कर दिया इस बात को, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन दीपिका की तरफ से अभी भी वो गोवा में शूटिंग कर रही है, खबर उन तक पहुंची गई होगी लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन तमाम सबूत तमाम चैट सब सामने आ गए हैं, इसलिए बचना थोड़ा मुश्किल। जी बिल्कुल, देखिए सीधा सीधा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास चैट से दीपिका पादुकोण का, और देखिए दीपिका पादुकोण पर दो तरफा मुश्किल है। देखिए एक जो शिकायत है वो मनजिंदर सिंह सिरसा ने की है, वो जो तथाकथित करण जौहर के घर के अंदर जो पार्टी चल रही थी तथाकथित उसको ड्रग्स पार्टी कहा जा रहा था, उसकी शिकायत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। फिलहाल अगर बात की जाए तो उसकी इंक्वायरी हो रही है वीडियो की, ये जांचा परखा जा रहा है कि क्या वो डॉक्टर्ड वीडियो तो नहीं था। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है तो दीपिका की वहां से मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो दीपिका का व्हाट्सएप चैट सीधा सीधा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, जिसमें दीपिका पादुकोण माल के बारे मंगवा रही हैं, ड्रग्स मंगवा रही हैं, गांजा मंगवा रही हैं, कोको रेस्टोरेंट है मुंबई में, वहां पर पार्टी होनी थी जहां की तस्वीरें भी आज तक के पास है, उसके लिए मंगवा रही थी। और बात किससे कर रही थी, करिश्मा से कर रही थी, करिश्मा भी क्वान कंपनी से जुड़ी हुई है और दीपिका के क्लोज है। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि करिश्मा भी फिलहाल गोवा में है जहां दीपिका पादुकोण एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रणनीति है कि फिलहाल जया से पूछताछ कर ली जाए, करिश्मा के बारे में पूरी जानकारी ले ली जाए, उसके बाद करिश्मा से पूछताछ होगी जो दीपिका से चैट कर रही थी, उसके बाद दीपिका पादुकोण का नंबर आएगा। यानी कि पुख्ता सबूत पहले हासिल कर लेना चाहती है एनसीबी और उसके बाद आगे धीरे कदम बढ़ाना चाहती है। विद्या हमारे साथ दीपिका के घर से लगातार बनी हुई है। विद्या, दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स इन्हें आइडलाइज लोग करते हैं, अपने आइडल के तौर पर देखते हैं, लेकिन यही एक्टर्स जब ड्रग के इस धुएं को छल्ले को उड़ाते हुए नजर आते हैं, ऐसे में इन ड्रगिस्ट को खास करके इनके बारे में क्या कहा जाए? और जहां तक मुंबई की बात है और इस तरह की पार्टीज की बात है, आपको अगर खुद याद हो तो यहां पे एक ओएसिस होटल है जहां पे एक बहुत बड़ी रेड हुई थी, टीवी एक्टर्स वहां पर पार्टी कर रहे थे कुछ सालों पहले, तो इस तरह की चीजें सामने आती रही है पहले भी। जी बिल्कुल, रेड्स हो या फिर एक्टर्स, जैसे कि हमने देखा है फरदीन खान का ही बहुत बड़ा केस है, या फिर संजय दत्त भी खुद ड्रग मामलों में, और उन्होंने इस बात की बखूबी इन्होंने एक्सेप्टेंस भी किया है कि हाँ मैं ड्रग लेता था, ड्रग रिहैबिलिटेशन में जाना पड़ा, फरदीन खान को भी ड्रग रिहैबिलिटेशन में जाना पड़ा। तो कई सारे लोगों को ये, जैसा कि हम हमेशा बताते आए कि ये एक ओपन सीक्रेट है बॉलीवुड में, हर किसी को पता है कि ड्रग लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस मामले की बात करें, अगर एनसीबी केस से जो जुड़ा ये मामला है उसकी बात करें, तो इस मामले में फिलहाल एनसीबी को ये जो चैट्स मिले हैं दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच के, ये उनके इन्वेस्टिगेशन में जरूर मदद कर सकते हैं, लेकिन इनको अदालत में सबूत के तौर पर लाने के लिए उनके पास और भी कोरोबोरेटिव एविडेंस होना चाहिए। और यही वजह है कि इंतजार किया जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद और विद्या, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे इस पूरे मामले में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।